ब्लॉग को। तो दोस्तों आज हम आए खाना डोघर, जो कि काफ़ी भव्य भव्यशाली मतलब दशहरा होता है, तो आज यहीं पे आए हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, जंगल जंगल भी चढ़ेंगे और बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे आपको दशहरा का जो नज़ारा है। स्टार्टिंग करते हैं हम रावलगुड़ी से, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में देवी आती है। यहाँ से चलते हुए जाते हैं कांदा डोगर, लास्ट अपना कांदा डोगर होता है, उसके बाद विदाई होता है। तो अभी हम फिलहाल रावलगुड़ी के पास हैं, तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं जो नज़ारा है, एक तरफा हो रखा है, तो चलिए जाते हैं आगे। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं रावलगुड़ी के पास, देखिए काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। अभी अभी जस्ट भीड़ चल रहा है, तो अंदर जाके तो ये है रावलगुड़ी, देखिए काफ़ी दूर से फैला हुआ है, तो इसके अंदर चलता है देवी देवता का पूजा। देखिए काफ़ी लेडीज लेडीज जो भी बाल बच्चे सब आए हुए हैं यहाँ पे होगा। निकल रहे हैं कांदा डोंगर के लिए, तो चलिए चलते हैं कांदा डोंगर में मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया लगेगा यहाँ से। ये देखिए कुछ कुत्ते लोग भौंक रहे हैं। पहुँच चुके हैं थोड़ी, देखिए पारा अंदर का नज़ारा है, थोड़ा दूर दूर ज़्यादा हो रखा है। देखिए वैसे काले हैं थोड़ा सा, और नज़र लग के किस्कत और काले हो गए, जल के कोयला कोयला सा फीलिंग लग रहा। तो चलिए चलते हैं आगे, पार्किंग एरिया में देख सकते हो लगभग 15-20 हज़ार तो खाली बाइक ही होंगे, और कार का तो बता नहीं सकता। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया में पार्किंग है। भाई सभी हम निकल रहे हैं अपना रसीद रसीद कटवा के, ये रहा अपना गाड़ी जस्ट सामने है, और ये रहा रसीद। अगर रसीद घुमाते हो तो गाड़ी नहीं मिलेगा, और गाड़ी घुमाते हो तो 20 रुपये में, और गाड़ी आड़ी घूम जाता है तो जितना का गाड़ी है ना उतना का पैसा मिल जाएगा। ये बढ़िया सुविधा है कांदा डोंगर में। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कांदा डोंगर, तो ये रहा इसका स्टार्ट, ये है इसका स्टार्टिंग गेट। यहाँ लिखा है 84गढ़ विजय दशमी देव दशहरा महोत्सव कांदा डोंगर घोड़ियारी। पूरा एड्रेस दे देता हूँ आपको, तो अगले साल भी आना, और जो इस साल आए हैं उसको बहुत सारे शुभकामनाएँ। तो अभी मतलब भीड़ स्टार्ट हो रहा है, देखिए इस साइड मतलब हर साल दुकान लगता था, तो इस टाइम ना खाली मतलब लोग बाकी है इधर, और इधर लगा हुआ है मेन दुकान हमारे कांदा डोंगर के। इधर जाएंगे बाद में, पहले चलते हैं जंगल की ओर, जो कि हमको थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना है, और कुछ कुछ है उधर तो देख के आते हैं, फिर जाएंगे इधर ये वाला एरिया। तो चलिए चलते हैं आगे, हम जा रहे हैं जंगल की ओर प्रस्थान, जंगल में मंगल करना। सीढ़ी चढ़ेंगे थोड़ा सा, ऊपर तक, थोड़ा सा नहीं चढ़ेंगे, ऊपर तक चढ़ाना है सबको। नहीं गाइस देख रहे हो ना वो झंडा दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा है। बहुत दूर है ये तालाब, देख रहे हो आपको दिख ही रहा होगा, दिख ही रहा होगा तो इसका, और मेरे को भी दिख रहा है, इसका बहुत मान्यता है ये तालाब का।
तो हम लोग ऊपर जा रहे थे और हमको रिटर्न भेज दिया गया ये भी इस आदमी के कारण। और भाई चल फिर लोकेश भाई आए हैं जो कि अपने कांदा डोंगर क्षेत्र के जाने माने यूट्यूबर हैं जो कि काफी प्रसिद्ध है, तो साथ में चलते हैं फिलहाल अभी। तो दोस्तों इधर जूता चप्पल सब बाहर रख के जाना है, देखिए कांदेश्वर धाम के नाम से सब तो पहन के जा रहे हैं, बाहर रखे बोल रहे हैं लेकिन सब पहन के जा रहे हैं, देखिए सबका पैर देख लो। हम लोग तो हम लोग भी पहन के जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, मतलब पता नहीं था कि इधर कांदेश्वर धाम करके सागर है वो हमारे आगे। तो गाइस ये है कांदेश्वर धाम, देखिए दूर से दिखा सकते हैं, अभी पूरा बना नहीं है, अभी पूरा बनने के बाद ये लिंग बढ़ रहा है शायद, ये भी भूतेश्वर टाइप बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है, आपको हर ज्योतिर्लिंग मिल जाएगा, श्री ओंकारेश्वर, श्री मल्लिका अर्जुन और काफ़ी सारे हैं जो कि श्री महाकाल, केदारनाथ महादेव का भी है देखिए लास्ट में। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया गया है जो कि अभी बीच में गर्मी में किया गया, तो काफ़ी फिलहाल प्रसिद्ध चल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लगा। और जो लिंग है ना वो भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, भूतेश्वर महादेव जैसे काफ़ी बढ़िया तरीके से बना दिया गया। तो फिलहाल चलते हैं नीचे की ओर, कभी फुर्सत से आएंगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे अकेले बैठ के मज़े में। तो यहाँ एक मंदिर भी है जो कि दुर्गा माता का मंदिर है, कुछ इस टाइप से है। आ गए हैं मार्केट एरिया में, देखिए काफी हरा भरा सीन, कौन बात नजारा एक से एक मिल जाएगा, जैसा फ्रंट चाहोगे जैसा तुम चाहोगे यार सोचोगे वो सब मिलेगा यहाँ पे। आज सब सब का सब है यहाँ पे, आज मेरे पास क्या नहीं है, इज्जत सौरत सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये है मार्केट वाला एरिया जहाँ आपको मिठाई उठाई भुआ तो और कहाँ रहे कैसे तो गाइस यहाँ पे काफ़ी दुकान है, इतना दुकान है कि आधा दिखा ही नहीं सकते, यहाँ पे एक से एक दुकान मिल जाएगा, बर्तन वर्तन जो भी चाहो जो चाहो वो मिल जाएगा, यहाँ पे फंसाने वाली भी मिल सकता है। तो ये है जैन का सबसे फेवरेट आइटम एदबा मूंगफली चना। तो यहाँ चश्मा उश्मा भी मिल जाएगा आपको, खिलौना वलौना हर प्रकार का, मंगल सूत्र मिल जाएगा, कोई शादी करने वाला तो यही हो सकता है सब चीज बस। तो गाइस अच्छा लग रहा है ना, टैडी मस्त लगा, टैडी एडी जितने भी जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए मिल जाएगा सब, आप बच्चे लोग के लिए भी ले सकते हैं, इधर मिठाई उठाई सब मिल जाएगी, बस देख सकते हैं गाइस, खा तो नहीं सकते दिखा सकते हैं मतलब हर एरिया को एक एक चीज से बांटा गया है, किधर खिलौना वाला रहेगा, किधर फैंसी वाला रहेगा, किधर मिठाई खाने का रहेगा सब। ये ले 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 नया स्टॉल है, ये अपना मेरा नया स्टॉल है, आज दुकान का पहला दिन है, इसका ऑनर मैं हूँ भाई, आइसक्रीम वाला ही दिख रहा है भाई।
पप्पू द लेजेंड